अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मंत्री नंदगोपाल नंदी पहुंचे हुए हैं अयोध्या। नंदगोपाल नंदी का हुआ भव्य स्वागत। 2:30 बजे रामलला के उन्होंने दर्शन किए हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन में शामिल हुए हैं मंत्री। मानस भवन में महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की अयोध्या में बैठक आयोजित होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां पर मंत्री नंदगोपाल नंदी इस वक्त अयोध्या पहुंचे हुए हैं। नंदगोपाल नंदी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत अयोध्या में किया है। वही 2:30 बजे नंदगोपाल नंदी ने रामलला के दर्शन किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन में नंदगोपाल नंदी शामिल हुए हैं। मानस भवन में इस महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। और इसी बीच अयोध्या दीपोत्सव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा। कल से घाटों पर दीपों को चिन्हीकरण का कार्य है वो शुरू कर दिया जाएगा। अवध विश्वविद्यालय दीपोत्सव की तैयारियां शुरू कर चुका है। विश्वविद्यालय के वॉलंटियर अलग परिधान में इस बार नजर आने वाले हैं। 32 घाटों पर 9 लाख दिए बिछाने की तैयारी होने जा रही है। वही राम की पैड़ी पर 7,51,000 दिए जलाएंगे। अवध विश्वविद्यालय के 12,000 वॉलंटियर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि 1 नवंबर से 6 नवंबर तक ये पूरा दीपोत्सव मनाया जाने वाला है। तो अयोध्या दीपोत्सव से जुड़ी इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 नवंबर को अयोध्या में दीपोत्सव आयोजित किया जा रहा है। और इसी बीच फतेहपुर से बड़ी खबर, जहां हाथ में अवैध तमंचा लहरा रहा युवक, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। वायरल वीडियो को पुलिस ने संज्ञान में लिया है। पुलिस ने शुरू की कार्यवाही। आपको बता दें कि युवक की शिनाख्त की गई है। वही शिनाख्त के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक के पास से एक तमंचा समेत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी घटना इस वक्त हम आपको फतेहपुर से बता रहे हैं, जहां हाथ में अवैध तमंचे के मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है। जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जहां पर एक युवक हाथ में अवैध तमंचा लहराते हुए दिखाई दे रहा था, वही अब पुलिस ने इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वही आगरा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर छज्जे पर बिठाकर एक मरीज का इलाज एक अस्पताल में किया जा रहा है। अस्पताल बिल्डिंग के छज्जे पर मरीज को बिठाया गया है। आगरा के माहेश्वरी हॉस्पिटल का ये पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तस्वीरें आप इस वक्त आगरा के एक अस्पताल की देख रहे हैं। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां पर माहेश्वरी हॉस्पिटल में एक मरीज का छज्जे पर बिठाकर अस्पताल प्रशासन इलाज कर रहा है। आगरा के माहेश्वरी हॉस्पिटल का ये वीडियो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वही ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हैरान कर देने वाली अपने आप में तस्वीरें हैं, जहां पर इस प्रकार की लापरवाही अस्पताल प्रशासन बरतता हुआ दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, माहेश्वरी हॉस्पिटल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जहां पर आपको छज्जे पर एक मरीज दिखाई दे रहा होगा, जिसका वहां पर मौजूद कर्मचारी इलाज करते दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां मामूली कहा सुनी में हुआ विवाद, जहां पर 2 सगे भाइयों में विवाद देखने को मिला है, जहां 2 भाइयों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आ चुका है। मारपीट के दौरान 2 लोग इस पूरे मामले में घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अकराबाद थाना इलाके के भोपाल गढ़ी की ये पूरी घटना अलीगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मामूली कहा सुनी के बाद 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई है। वहीं इस पूरी मारपीट में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए अलीगढ़ संवाददाता खालिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो खालिक, अकराबाद थाना क्षेत्र से, अलीगढ़ से पूरा मामला सामने आया, जहां मामूली कहा सुनी के बाद 2 भाइयों में विवाद देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है?
देखिए मैं आपको बता दूं, ये अपनी कहासुनी के बाद जो जमकर मारपीट हुई है, वही एक पक्ष के लोगों के द्वारा थाने में शिकायत भी की गई है, लेकिन जिस तरीके से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद जो है दोनों सगे भाइयों को स्थानीय लोगों और परिवार के लोगों के द्वारा समझनामा और समझौता कराने की कोशिश की गई, लेकिन ये सब नहीं हो पाया तो मामला थाने में पहुंच गया। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल मारपीट की अगर बात कही जाए तो ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। थाना अकरवा क्षेत्र जो पड़ता है गोपाल गढ़ी का ये पूरा मामला है। बताया जाता है आपसी कहा ये जो पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में आपसी कहा सुनी हुई थी, उसके बाद ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जी तो खालिद, जिस तरह से मारपीट का वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस पूरे मामले में दो लोग घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ उनके अभी स्थिति पता चल पा रही है? देखिए पुलिस के द्वारा जो दो लोगों को तो हिरासत में ले लिया, और जो दो लोग घायल हुए हैं वो भी परिवार के ही लोग हैं, और पुलिस के द्वारा दोनों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी करा दिया है। जी फिलहाल पुलिस मामले की जांच की बात कर रही है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद खालिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अलीगढ़ से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद दो सगे भाइयों में मारपीट देखने को मिली है, जहां पर दोनों सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। वही लखनऊ से बड़ी खबर, जहां लखनऊ आ रही फ्लाइट में मिले हैं अखिलेश प्रियंका। अखिलेश और प्रियंका फ्लाइट में साथ साथ देखे गए हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फ्लाइट में दोनों ही नेताओं ने आपस में बातचीत भी की है। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ आ रही फ्लाइट में अखिलेश और प्रियंका आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि प्रियंका और अखिलेश का एक फोटो इस वक्त वायरल हो रहा है, जहां दोनों एक साथ फ्लाइट में देखे जा रहे हैं। वही दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया है। फ्लाइट में दोनों ही नेताओं ने आपस में बातचीत की है। दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट बताई जा रही है, जहां पर दोनों नेताओं की आपस में मुलाकात हुई है। लखनऊ से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली से लखनऊ आ रही फ्लाइट में प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। आपको बता दें कि दिल्ली से लखनऊ की फ्लाइट थी, जिसमें दोनों नेताओं की आपस में बातचीत भी देखने को मिली है। दोनों का फोटो एक साथ इस वक्त तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वही दोनों नेताओं ने एक दूसरे से मिलने के बाद अभिवादन भी किया है। लखीमपुर का आपको मामला बता रहे हैं, तिकुनिया इलाके में हिंसा का मामला, जिसमें मुख्य आरोपी आशीष की रिमांड फिर मंजूर कर ली गई है। दो से दिन की और पुलिस रिमांड पर इस वक्त आशीष मिश्रा भेजा गया है, जहां 8 आरोपियों का आमना सामना कराया जाएगा। तो लखीमपुर खीरी मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्य आरोपी आशीष की रिमांड फिर से मंजूर कर ली गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्रा को भेजा गया है। आपको बता दें कि इस पुलिस रिमांड में 8 आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। तो तिकुनिया इलाके के हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आई है, मुख्य आरोपी आशीष की रिमांड एक बार फिर से मंजूर कर ली गई है। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर आशीष मिश्रा भेजा गया है, जहां बताया जा रहा है कि अब 8 आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा, जिसके बाद क्या कुछ पूरा मामला था, क्या कुछ तथ्य उससे निकलकर सामने आएंगे, पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखीमपुर संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो धीरज, बड़ी खबर सामने आई है, मुख्य आरोपी आशीष की रिमांड एक बार फिर से मंजूर कर ली गई है, क्या कुछ जानकारी है? हेलो धीरज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, शायद धीरज से हमारा संपर्क टूट गया है, मैं एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो लखीमपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामले में बड़ी खबर सामने आई है, जहां आशीष मिश्रा, जो पूरे मामले में मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, उसकी रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए धीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो धीरज, बड़ी खबर सामने आई है, जहां लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिमांड को और बढ़ा दिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, लखीमपुर के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जो है उनकी दोबारा आज फिर से एक बार 2 दिन की रिमांड जो है दी गई है। 2 दिन की रिमांड के बाद अन्य 4 साथी जो उनको भी 2 दिन की रिमांड के साथ भेजा गया है पुलिस कस्टडी में, जहाँ पर दोबारा से उनकी
उनके साथ जो पूछताछ होगी पूरी घटना को लेकर। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामले में अब आशीष की रिमांड को बढ़ा दिया गया है। वही लखनऊ से बड़ी खबर, जहां मोहनलालगंज ब्लॉक मुख्यालय में मारपीट देखने को मिली है। भगवानपुर प्रधान व उनके समर्थकों की गुंडाई देखने को मिली है, जहां समिति गठन में विवाद का मामला सामने आया है, जहां सदस्यों को जमकर पीटा गया है। तो मोहनलालगंज ब्लॉक मुख्यालय से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, लाइव आपको तो दिखा रहे हैं किस प्रकार से वहां मारपीट की जा रही है, जहां पर समिति गठन में विवाद देखने को मिला है, सदस्यों की जमकर पिटाई हुई है। आप वीडियो देख पा रहे हैं किस प्रकार से मोहनलालगंज मुख्यालय में प्रधान की खुलेआम गुंडाई देखने को मिल रही है। भगवानपुर प्रधान है ये और उसके समर्थक जो खुलेआम गुंडाई करते दिखाई दे रहे हैं। समिति गठन में यह पूरा विवाद हुआ है, जहां सदस्यों को जमकर पीटा गया है। लखनऊ के मोहनलालगंज ब्लॉक का यह पूरा मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं।